फ्रेंड्स, घर में ही स्टेंसिल बना के टीपॉय को कैसे इजीली मेकओवर कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ओल्ड वुडन बेंच और आयरन रैक मेकओवर आइडियाज़ पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखिए दोस्तों। पहले टीपॉय को अच्छे से साफ करके उसके ऊपर एनामेल पेंट लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ये मेकओवर आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लाईवुड के एक साइड में लैमिनेटेड चिपका हुआ है, अभी दूसरा साइड में मेकओवर कर रही हूँ। एक लेयर पेंट सूखने के बाद दूसरा लेयर लगाना है। पेंट पूरा सूखने के बाद उसके ऊपर स्टेंसिल रख के पेंट लगा रही हूँ। स्टेंसिल कैसे बनाते हैं आगे के वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। पेंटिंग करने से पहले पेंट को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेंट पूरा सूखने के बाद लास्ट में वार्निश लगाना है।
स्टेंसिल बनाने के लिए पहले एक शीट के ऊपर जो डिज़ाइन हमें चाहिए ड्रॉ कर लेना है। अब ड्राइंग के ऊपर OHP शीट रख के पेन या मार्कर पेन से ट्रेस कर लेना है। सीजर या कटर से डिज़ाइन को कट करना है। फ्रेंड्स, आपको ये इजी मेकअप आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और एक वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।